आधार है, इंडिया का आधार है। द्रौपदी मुर्मू को जब संसद को उद्घाटन नहीं करने दिया, एसी एसटी को आरक्षण देगा महिला को, बीजेपी के लोग ने जातिगत जनगणना को रोकने के लिए जा करके सुप्रीम कोर्ट में केस किया। अरे पूरे देश का गुरु है, यहीं से ने नालंदा विश्वविद्यालय था, यहीं से ज्ञान लेते हैं। उसी भगवान बुद्ध का दूसरा रूप, कबीर का दूसरा रूप, नीतीश कुमार है, इसी के ज्ञान के आधार पर चल रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में हैं, जनता दरबार लगा है और मंत्री जी पहुंचे हैं। रत्नेश सदा जी हैं, जेडीयू कद्दावर नेता हैं। सबसे पहले तो बिहार की सियासत में जो कुछ चल रहा है वही सवाल लेंगे। कल लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर तमाम विधायकों के साथ लौंडा डांस जो है वो करवाया, कैसे देख रहे हैं, क्या ये सही है? ये खुशी का इजहार है। इस बात की खुशी रहती है इंडिया का। अच्छा, इंडिया का इजहार, इसलिए लौंडा डांस कराया गया है। इस पर हम कुछ नहीं बोले, लेकिन खुशी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरीके से अब तो पारित भी कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि भाई एससी एससी जो है उसके लिए भी आरक्षण की बातें होनी चाहिए, रत्नेश सदा क्या चाहते हैं? अरे भाई पहले सुनो, एससी एसटी का भ्रम फैलाने वाला जनता के बीच पार्टी विरोधी, सख्त विरोधी है। अब कहिए कैसे? द्रौपदी मुर्मू को जब संसद को उद्घाटन नहीं करने दिया, तो एससी एसटी को आरक्षण देगा महिला को? नहीं दे सकता है। यानी आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो बीजेपी नहीं मानेगी, एससी एसटी को आरक्षण नहीं देगी? ना, कभी नहीं देगी। पर महिलाओं को तो 33% विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, तो उसी का तो अथी दे दिया है डिफरेंस ने मायावती, सबको कोटा निर्धारित करना चाहिए। वो कहाँ किया है? ओबीसी का, एसी का कहाँ किया है? पर बीजेपी तो कहती है भाई एससी एसटी के लिए वो हमेशा कार्य करती है और आगे भी करती है। एससी एसटी के लिए करता तो बाबा साहब के संविधान को समीक्षा करने की जरूरत था, समीक्षा करने की जरूरत तो नहीं था। कहीं कहीं अम्बेडकर का प्रतिमा लगा रहता है तो बीजेपी लोग जाकर कभी बांह तोड़ देता है, कभी अथी पैर तोड़ देता है, इस तरह का तो बीजेपी करता है। हाँ, बीजेपी एक लोग करता है, बीजेपी एक लोग ने जातिगत जनगणना को रोकने के लिए आरएसएस के लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो जाति आधारित जनगणना तो होना ही है, क्योंकि बिल जब आया है उसमें स्पष्ट है कि भाई कास्ट सेंसस ये तमाम प्रक्रियाओं के बाद ही लागू। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार से सीख लिया है, जब उसकी बात को नहीं चला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट और जनता ने नहीं माना तो हार थक करके वो ऐसा कर रहा। यानी पीएम मोदी सीएम नीतीश मॉडल अपना रहे? अरे पूरे देश का गुरु है, यहीं से ने नालंदा विश्वविद्यालय था, यही ने क्या कहते हैं खगोलविद था, यही ने भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला है, यहीं से ज्ञान लेते हैं। उसी भगवान बुद्ध का दूसरा रूप, कबीर का दूसरा रूप, नीतीश कुमार है, इसी के ज्ञान के आधार पर चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो 2006 में ही महिला आरक्षण, एकल पलपद आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण और सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दे दिया है, तब उसका मॉडल अपना रहते सीख ले रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव क्या पुराने अंदाज में फिर से जो है वापस आ गए हैं पुराने तेवर में लग रहा है? अब उनको पता लगता होगा। आपको क्या लग रहा है कि वही पुराना उनको जो है वो लालू यादव का वापस? नहीं नहीं, उनको बीजेपी के लोग को लगता होगा, लेकिन बिहार के जनता के लिए कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो अपना जो है खुशी का इजहार कर रहा, कोई बात। तो आपने सुना रत्नेश सदा को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन को लेकर के खुशी का इजहार कर रहे थे, बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो लालू प्रसाद यादव ही जानते होंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।